हेलो दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो बीपीएड और एमपीएड का रिटर्न एंट्रेंस टेस्ट हुआ था, उसमें अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है और आप उसे चैलेंज करना चाहते हैं तो आज लास्ट डेट है। आज है 21 अक्टूबर 2021। आज रात 11:50 से पहले पहले आपको क्वेश्चन को चैलेंज कर देना है। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको, बीपीएड और एमपीएड वाले स्टूडेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो कैसे चैलेंज करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आपको क्या क्वेश्चन को चैलेंज करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने बीपीएड और एमपीएड का पेपर देखा है, ये देख सकते हैं आप, एमपीएड का पेपर है और ये मेरे पास बीपीएड का पेपर है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अलग अलग क्वेश्चंस मेरे पास भेजे हैं कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर को सही से एक बार पढ़ा है, एमपीएड के पेपर को भी और बीपीएड के पेपर को भी। तो इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा कि आपको किसी क्वेश्चन को चैलेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें चैलेंज करने की ज़रूरत है, जो कि गलत है। कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम एमपीएड की बात करेंगे। तो एमपीएड के 4 क्वेश्चंस को लेकर के डाउट है। एक है क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 48, क्वेश्चन 66 और क्वेश्चन 86। इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और अगर बात की जाए बीपीएड की, तो बीपीएड के 3 क्वेश्चंस को लेकर के डाउट है, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 57 और क्वेश्चन नंबर 83। इन तीनों के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। तो पहले आ जाते हैं हम एमपीएड पर। देखिए एमपीएड का सबसे पहला जो क्वेश्चन है जिसको लेकर के डाउट है, वो है क्वेश्चन 32। तो देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन 32। क्वेश्चन 32 जो है उसमें कहा गया है, देख सकते हैं आप, द विनर ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी रिसीव्स अ कैश प्राइज ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है जो माका ट्रॉफी होती है उसमें यूनिवर्सिटी को कितने रुपए का कैश प्राइज दिया जाता है। इसका राइट आंसर क्या दिया हुआ है, 10 लाख रुपीस दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर 10 लाख रुपीस नहीं, बल्कि इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होना चाहिए, 15 लाख रुपीस, क्योंकि ये अब चेंज करके 10 लाख से 15 लाख कर दिया गया है। तो ये पुराना अमाउंट यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप चैलेंज किस तरह से करेंगे, क्या रेफरेंसेज है आपके, कैसे आप अपनी बात को सही साबित करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक सर्कुलर। ये सर्कुलर आप देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है, जो कि 1 जून 2020 का है, मतलब पिछले साल का ही है ये सर्कुलर। इसमें जब स्क्रॉल को हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, 23 पेज का है ये। इसमें पेज नंबर 5 में आप देख सकते हैं, पेज नंबर 5 मैं नीचे करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए अवार्ड में लिखा हुआ है कि जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें कितने कितने का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो देखिए जो फर्स्ट को दिया जाएगा वो 15 लाख रुपीज़ का दिया जाएगा, सेकेंड को 7,50,000 का और थर्ड को 4,50,000 का, ठीक है। ये मैं लेटेस्ट आपको दिखा रहा हूँ, पिछले साल का ही है ये, जबकि अमाउंट वगैरह को थोड़ा चेंज किया गया था, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर में दिया गया है कि 10 लाख है, ये गलत है, 15 लाख होना चाहिए। और मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए, आपके पास रेफरेंस है, ये मैंने आपको दे दिया है। अब आप किस तरह से चैलेंज कर सकते हैं, तो ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से डाउनलोड करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस वाले पेज का, और वहाँ जो कुछ रिमार्क्स लिखना होगा उस रिमार्क्स में आप लिख सकते हैं कि ये कहाँ से आपने स्क्रीनशॉट लिया है। ये सब लिख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो सर्कुलर था 1 जून 2020 का, उसमें जो माका ट्रॉफी के बारे में बताया गया है उसके पेज नंबर 5 पर ऐसा लिखा हुआ है, कैश प्राइस जो कि अभी मैंने आपको दिखाया है, ये देख सकते हैं आप, 15 लाख रुपीज ही होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 32 जो कि गलत है मेरे अकॉर्डिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 के बजाय ऑप्शन 4 होना चाहिए, 15 लाख रुपीज, ठीक है दोस्तों। उसके आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 48। इसको लेकर भी कुछ डाउट्स हैं कुछ स्टूडेंट्स को, डाउट क्या है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 48 ये रहा, 1 pound ऑफ फैट रिप्रेजेंट्स। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1 pound फैट होती है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। अब इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3500 कैलोरीज, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन गलत है। अब इसके पीछे वो स्टूडेंट तर्क ये दे रहे हैं क्योंकि 1 gram ऑफ फैट में कितनी कैलोरीज होती है, 9 कैलोरीज होती है, और 1 pound में कितने ग्राम होते हैं, 454 ग्राम होते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, 454 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और उनका आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है 4086, यानी कि 4086 कैलोरीज मिलेंगी। तो उस हिसाब से तो आंसर गलत लग रहा है ये, और बात भी सही है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा करके पूछा गया है। यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि 1 pound ऑफ फैट कितनी कैलोरी हमें देता है, बल्कि पूछा गया क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होता 4086 तो वो भी सही आंसर होता, लेकिन यहाँ पर 3500 कैलोरीज ही सही आंसर होगा। क्यों होगा सही वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए कुछ रिसर्चेस के हिसाब से ऐसा कहा जाता है
कि अगर आपको अपना 1 पाउंड वेट डिक्रीज करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको 3500 कैलोरीज फैट की डिक्रीज करनी होगी, तब जा करके आपका 1 पाउंड ऑफ वेट कम होगा। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कुछ रिसर्चेस के हिसाब से। तो ये वहां से क्वेश्चन लिया गया है, ना कि यहाँ पर कैलोरीज पूछी गई है। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं है, सही है, चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 86, जिसको लेकर के भी डाउट्स है स्टूडेंट्स को। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। देखिए ये क्वेश्चन 66 है। ए कॉम्प्लेक्स थियरी ऑफ लर्निंग दैट प्रेडिक्ट्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड लर्निंग और परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। अब इसका जो राइट आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है ड्राइव थियरी। लेकिन दोस्तों ये मुझे सही आंसर नहीं लग रहा है। मेरे अकॉर्डिंग इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन बी, इन्वर्टेड यू थियरी। क्योंकि जब हम ड्राइव थियरी की बात करते हैं तो ड्राइव थियरी का क्या मतलब होता है, ड्राइव थियरी होती क्या है। ड्राइव थियरी के बारे में जब आप कुछ ऑथेंटिक बुक्स में देखेंगे, मान लेते हैं ML कमलेश वाली बुक में ही देखेंगे, तो उसमें दिया हुआ है ड्राइव थियरी इज अ स्टिम्यूलस अराइजिंग फ्रॉम बॉडिली नीड्स फॉर सर्वाइवल विच स्टिम्युलेट बिहेवियर। मतलब हमारी जो सर्वाइवल के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि हंगर है, थ्रस्ट है, इस टाइप की जो रिक्वायरमेंट्स होती है उनको पूरा करने के लिए जो हमें मोटिवेशन मिलता है उस काम को करने के लिए, तो वो होती है ड्राइव थियरी। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया रिलेशनशिप बिटवीन अराउजल एंड लर्निंग ऑन परफॉर्मेंस, तो उस हिसाब से यहाँ पर इन्वर्टेड यू थियरी होना चाहिए। इसके कुछ रेफरेंसेस भी आप देख सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका पर आपको इसके कुछ रेफरेंस मिल जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप इसे पूरा पढ़ सकते हैं इस आर्टिकल को, और आपको bbc.co.uk वाले इस पर भी रेफरेंसेस मिल जाएंगे इन्वर्टेड यू थियरी के बारे में। यहाँ पर भी आप क्लियर देख सकते हैं, द इन्वर्टेड यू थियरी प्रपोजेज दैट स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स एज अराउजल लेवल इंक्रीजेस। तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाता है, बाकी अगर दूसरी बुक्स का आप रेफरेंस देंगे तो वो और भी बेटर होगा इस क्वेश्चन में, अगर आप किसी टेक्स्ट बुक का रेफरेंस देते हैं बजाय इन वेबसाइट्स के। ठीक है दोस्तों, तो मेरे अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो इन्वर्टेड यू थियरी होना चाहिए। आपको क्या लगता है कॉमेंट में लिख करके बताएं, और ऐसा क्यों लगता है आपको वो भी बताएं। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन 86। अब क्वेश्चन 86 में भी डाउट्स है। क्या है क्वेश्चन 86? क्वेश्चन 86 है, स्क्रीन पर देख सकते हैं हम, ये देखिए, विच IPL फ्रेंचाइज इंडियन क्रिकेटर युवराज सिंह हैज नेवर प्लेड फॉर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सी IPL फ्रेंचाइज है, कौन सी IPL वाली टीम है जिसके लिए युवराज सिंह ने कभी खेला नहीं। ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, कोलकाता, राजस्थान, दिल्ली, बेंगलोर। राइट आंसर क्या दिया हुआ है, कोलकाता दिया हुआ है। अब दोस्तों कोलकाता सही है, कोलकाता के लिए युवराज सिंह ने कभी नहीं खेला, लेकिन राजस्थान के लिए भी तो नहीं खेला युवराज सिंह ने कभी। युवराज सिंह ने दिल्ली के लिए खेला है, युवराज सिंह ने बेंगलोर के लिए खेला है, युवराज सिंह ने पुणे के लिए खेला है, युवराज सिंह ने हैदराबाद के लिए खेला है, युवराज सिंह ने पंजाब के लिए खेला है, युवराज सिंह ने मुंबई इंडियंस के लिए खेला है, लेकिन कोलकाता और राजस्थान के लिए नहीं खेला। अब इस क्वेश्चन में राजस्थान भी ऑप्शन में दिया हुआ है जो कि नहीं देना चाहिए था, तो उस हिसाब से क्वेश्चन दोस्तों गलत हो जाता है, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के दो सही आंसर बन रहे हैं, कोलकाता भी सही है और राजस्थान भी सही है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को चैलेंज करते हैं और आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जाता है तो इस क्वेश्चन के मार्क्स या तो सभी स्टूडेंट्स को दे दिए जाएंगे या इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया जाएगा, आपके जो फाइनल मार्क्स होंगे रिटर्न के। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे भी चैलेंज कर सकते हैं, इसके आपको रेफरेंसेज इजीली मिल जाएंगे, कहीं भी आप युवराज सिंह की प्रोफाइल खोलेंगे तो वहाँ रेफरेंसेज आपको इजीली मिल जाएंगे। विकिपीडिया पर तो मिल ही जाएंगे, लेकिन क्योंकि विकिपीडिया को हम एक ऑथेंटिक रेफरेंस नहीं कह सकते तो दूसरे भी आपको सोर्सेस की हेल्प इजीली मिल जाएगी, आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई है MPED की। इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनमें मुझे कोई ऐसा डाउट नहीं लगा, ये चार ही ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मुझे डाउट लग रहा था और स्टूडेंट्स को भी ज़्यादा डाउट था, तो इन चारों क्वेश्चन के बारे में मैंने आपको बता दिया। 3 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे हैं, क्वेश्चन 32, क्वेश्चन 66 और क्वेश्चन नंबर 86। बाकी जो क्वेश्चन 48 है वो सही है, उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है MPED के स्टूडेंट्स को, इन 3 क्वेश्चंस को चैलेंज कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये MPED की बात कर ली हमने, अब बात कर लेते हैं हम BPED की। ये देख सकते हैं आप, BPED का क्वेश्चन पेपर है, BPED के 3 क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के डाउट्स है, क्वेश्चन 50, क्वेश्चन 57, क्वेश्चन नंबर 83। देख लेते हैं हम, सबसे पहला है क्वेश्चन 50। ये देखिए क्वेश्चन 50, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज ऑफ्टन ट्रीटेड सिनोनिमस विद लर्निंग। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को डाउट है लेकिन मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन पूछा गया है कि लर्निंग के सिनोनिमस
कौन सा वर्ड है जो आमतौर से यूज कर लिया जाता है, जनरली हम यूज कर लेते हैं। तो राइट आंसर दिया हुआ है मेमोरी, जो कि सही है। एक दो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, इसका राइट आंसर नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर नॉलेज नहीं होगा, मेमोरी ही होगा, और ये सही आंसर है। चैलेंज करने की ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है। आमतौर से हम कह देते हैं कि मेमोराइज कर लो इस चीज़ को, मतलब लर्न कर लो कह देते हैं हम। हालांकि लर्निंग और मेमोराइज किसी चीज़ को करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन यहाँ पर इन जनरल पूछा गया है, कहा गया है ना ऑफ्टन ट्रीटेड, तो आमतौर से मेमोरी को ही हम कहते हैं। नॉलेज इसका आंसर नहीं होगा, मेमोरी ही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 मुझे गलत लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है देख लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन 57, हाउ मेनी टाइम्स मुंबई इंडियंस हैज वन आईपीएल टाइटल टिल 2020। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2020 तक मुंबई इंडियंस ने कितने आईपीएल टाइटल जीते। राइट आंसर क्या दिया हुआ है, 4 times। अब दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने 5 बार टाइटल जीते हैं, तो ये तो गलत है, और 5 times तो इस ऑप्शन में भी नहीं दिया हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ये गलत है। और चैलेंज करने के लिए रेफरेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। आईपीएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाएंगे, IPLT20.com, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टीम्स लिखा हुआ दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैन लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सब कुछ क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा। ये देखिए टीम्स है ये सारी, ठीक है। तो ये जो मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइज है, इसने कौन कौन से ईयर में टाइटल जीता, क्लियर लिखा हुआ है, 2013, 2015, 2017, 2019, 2020, 5 बार टाइटल जीता है मुंबई इंडियंस ने। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ लिखा हुआ है 4 बार, जो कि गलत है। 4 बार तो जीता नहीं है, 5 बार जीता है। तो आप इस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ये आपको मैंने रेफरेंस दे दिया है, आईपीएल की ये ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से आप चैलेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हाल फिलहाल में ही चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है 2021 में, तो यहाँ लिखा हुआ है 2021, 2018 में जीता, 2011 में जीता, 2010 में जीता। इसी तरीके से सभी टीम्स का लिखा हुआ है, दिल्ली कैपिटल्स ने कभी नहीं जीता तो इनका लिखा हुआ है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने कभी नहीं जीता, इनका अभी कुछ नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो जिसने जब जब जीता, जब जब का लिखा हुआ है, ये आपको दिख रहा है, और डिटेल में भी आप जा सकते हैं इस पर क्लिक करके, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन बीपीएड का गलत है, और आप इसे चैलेंज कर सकते हैं, रेफरेंस मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जिसको लेकर के डाउट है, वो है क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन को देख लेते हैं हम, इसको आपको चैलेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये देख लेते हैं। 83 क्वेश्चन देखिए, विच सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन के लिए कौन सा सिस्टम रेस्पॉन्सिबल होता है। राइट आंसर क्या दिया हुआ है, नर्वस सिस्टम दिया हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि नहीं, नर्वस सिस्टम नहीं होना चाहिए, इसका एंडोक्राइन सिस्टम होना चाहिए, लेकिन नहीं, सही आंसर है बिल्कुल, ये नर्वस सिस्टम ही होगा। एंडोक्राइन सिस्टम का भी रोल होता है, लेकिन जो इनिशिएट करता है वो नर्वस सिस्टम ही इनिशिएट करता है मसल कॉन्ट्रेक्शन के एक्शन को। तो इस क्वेश्चन को भी चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सही क्वेश्चन है। और इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है बीपीएड का, मुझे पढ़कर के ऐसा नहीं लगा, जो कि गलत है। सारे क्वेश्चन मुझे सही लग रहे हैं बीपीएड के, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि गलत है, बाकी जो 2 questions थे क्वेश्चन 50 और 83, वो तो मुझे सही लग ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है जो कि बिल्कुल गलत है, और आप इसको ज़रूर चैलेंज करें दोस्तों, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन है बीपीएड का, और 3 questions हैं बीपीएड के जिन्हें आपको चैलेंज करना चाहिए। रेफरेंसेज मैंने आपको दे दिए हैं दोस्तों, बीपीएड के भी और एमपीएड के भी।